नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अलीगढ़ में उपद्रवियों के बवाल का सनसनीखेज वीडियो सामने आया है। तो 17 जून को हुए बवाल की तस्वीर वायरल हुई है। ट्रक में बैठकर और लटककर बवाल मचाते दिखे उपद्रवी। तो उपद्रवियों ने ट्रक को कब्जे में लिया था। काफी देर तक रोड पर ट्रक को दौड़ाते रहे थे उपद्रवी। अलीगढ़ पलवल रोड पर किया था जमकर उपद्रव। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उपद्रवियों ने ट्रक को कब्जे में लिया था और ट्रक में लटक कर ये उपद्रवी बवाल मचाते दिखे थे। तो अलीगढ़ का ये पूरा मामला है, जहां पर बवाल का ये वीडियो भी सामने आ गया है। तो 17 जून को बवाल की जो तस्वीरें हैं वो अब लगातार वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये उपद्रवी एक ट्रक पर लटके हुए नजर आ रहे हैं। तो अलीगढ़ पलवल रोड पर जमकर उपद्रव किया था उन उपद्रवियों ने, और एक ट्रक पर बैठकर और लटककर बवाल मचाते ये उपद्रवी नजर आ रहे हैं। उपद्रवियों ने ट्रक को कब्जे में ले लिया था और काफी देर तक रोड पर ट्रक को दौड़ाते रहते हैं। तो अलीगढ़ पलवल रोड पर जमकर इन्होंने उपद्रव किया था। 17 जून को हुए बवाल की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, और तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। तो काफी देर तक रोड पर ट्रक को दौड़ाते रहते उपद्रवी। एक और बड़ी खबर देवरिया से आपको बता दें, अग्निपथ योजना को लेकर जमकर बवाल। उपद्रवियों ने वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की है। दो सिपाहियों ने पेट्रोल पंप पर छिपकर अपनी जान बचाई और पुलिस ने 15 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, उपद्रवियों ने वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की है और लगातार ये उपद्रव की तस्वीरें जो है वो अलग अलग जगहों से सामने आ रही है। देवरिया में अग्निपथ योजना का जमकर विरोध हुआ। बरहज कस्बे में 150 से 200 की तादाद में युवा सड़क पर उतर आए और सड़क जाम कर दिया, और जब पुलिस उन्हें रोकने पहुंची तो उन पर पथराव कर दिया। पुलिस की गाड़ी का शीशा तोड़ा, उनकी मोटरसाइकिलों को भी ईंट से तोड़ दिया गया, और जब एक दो सिपाही बचने के लिए पेट्रोल पंप के ऑफिस में घुसने की कोशिश कर रहे थे तो पेट्रोल पंप पर जमकर पथराव किया गया और तोड़फोड़ की गई। तो पुलिस ने मामले में 15 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, बरहज कस्बे में, कस्बे से थोड़ा सा हट के बाहर की तरफ कुछ 40-50 की संख्या में कुछ नवयुवक एकत्रित हुए और उन्होंने वहां रोड जाम करने का भी प्रयास किया। पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर समझाने बुझाने का प्रयास किया, मगर ऐसी स्थिति नहीं थी तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें वहां से खदेड़ा। इसमें जो है पुलिस द्वारा गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अभी तक 15 लोगों की गिरफ्तारी हम लोग कर चुके हैं। आगे रोड में एसओ की गाड़ी आई है, वो पेड़ के पास है, एसओ के गाड़ी पर वो लोग पथराव किए हैं, जिसमें 6-7 कर्मचारी बैठे थे और वो लोग भागे हैं उसमें से अपना बचाव करने के लिए। एक उनका सिपाही जो है कांस्टेबल अखिलेश यादव, वो हमारे ऑफिस में भाग के चले गए हैं अपना बचाव करने के लिए। ऑफिस में वो लोग दौड़ाए हैं, मारे हो रहे हैं, ईंटा उटा चलाए हैं उस ऑफिस में भी, मारा तोड़फोड़ किए हैं। आगरा में अग्निपथ योजना के विरोध में हुए बवाल के मामले में कार्रवाई जारी है। पुलिस की गिरफ्त में आए एक आरोपी के मोबाइल से पुलिस ने सारा डेटा रिकवर कर लिया है। पुलिस इस मामले में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, जबकि उपद्रव में शामिल एक दर्जन से ज्यादा अज्ञात आरोपियों की तलाश में पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। अग्निपथ के विरोध में लगातार प्रदर्शन आसपास के जनपदों में हो रहे हैं, कुछ हमारे यहाँ भी इसकी प्रतिक्रिया हुई थी। 6 लोग उसमें गिरफ्तार हुए थे और उसमें से एक के मोबाइल फोन का जो डेटा था उसकी जब स्क्रीनिंग की गई तो उसमें कुछ ऐसे अलग तत्वों का ग्रुप बना हुआ था जो लगातार ये प्रवोक कर रहे थे कि गाड़ियों को तोड़ना है, ट्रेन को जलाना है, और इन लोगों को गाइड कर रहे थे कि किस किस ढंग से सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। रामपुर में एसपी नेता आजम खान ने अग्निवीर योजना को लेकर बयान दिया, उन्होंने क्या कुछ कहा आइए सुनाते हैं। इससे कोई सरकार का नुकसान थोड़ी होगा,
जैसे हमसे भरपाई की है अब इनसे भी भरपाई करेंगे। बस देखना यह है कि अब सरकार इनसे भरपाई कब करती है नुकसान की। हमसे तो कर ली, हम तो कमजोर थे, नंबर 3 के शहरी थे, इसलिए कर ली भरपाई, अब इनसे भी करें। अग्निपथ को लेकर हो रहे विरोध के बीच एक तरफ जहां विपक्षी दल सरकार को घेरने में लगे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे विपक्ष की साजिश बता रहे हैं। युवाओं को जिस तरह से गलत सूचनाएं, गलत जानकारियां देके उनको भरमाया जा रहा है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्हें सही बातें बतानी चाहिए और युवाओं के भविष्य को देखना चाहिए, देश के भविष्य को देखना चाहिए, प्रदेश के विकास में रोड़ा नहीं डालना चाहिए। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रगीत के अपमान का मामला, राष्ट्रगीत के दौरान बैठी रही मुस्लिमा सभासद महिलाएं, तो वीडियो वायरल होने के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है और वीडियो में अन्य सभासद और केंद्रीय मंत्री खड़े दिखाई दिए। तो कार्यक्रम में पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान। मुजफ्फरनगर में राष्ट्रगीत के अपमान का ये मामला सामने आया है, तो शनिवार को नगर निगम की बैठक आयोजित की गई थी जिसमें राज्य मंत्री सहित सभी सभासदों ने हिस्सा लिया था। बैठक शुरू होने से पहले राष्ट्रगीत गाया गया था और सभी लोग अपनी जगह पर खड़े हुए, लेकिन कुछ मुस्लिम वार्ड की महिला सभासद अपनी जगह पर बैठी रही, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर, जहां पर राष्ट्रीय गीत चल रहा है और सभी लोग अपनी जगह से खड़े हैं, लेकिन ये मुस्लिम ख्वातीन जो हैं वो अपनी जगह पर बैठी हुई नजर आ रही हैं। और बैठक से पहले ये राष्ट्रगीत गाया गया था, लेकिन ये महिलाएं खड़ी नहीं हुई। अग्निपथ स्कीम को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच सेना की तरफ से साफ कर दिया गया कि किसी भी दबाव में यह स्कीम वापस नहीं होगी, और साथ ही यह चेतावनी दे दी गई है कि आगजनी, तोड़फोड़ और गैर कानूनी ढंग से प्रदर्शन में शामिल होने वाले अग्निवीर नहीं बन पाएंगे, उनके लिए सेना में कोई जगह नहीं है, क्योंकि सेना का पहला उसूल है अनुशासन। अग्निपथ स्कीम को लेकर सवाल उठ रहे हैं, उनका जवाब देने के लिए तीनों सेनाओं की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें थल सेना से लेफ्टिनेंट जनरल बंशी पोनप्पा, एडजुटेंट जनरल थल सेना लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे थे। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों ही सेनाओं ने इस स्कीम के तहत भर्ती की तारीख का भी ऐलान किया। आर्मी अग्निवीर के तहत भर्ती के लिए रैली अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में देश के हर हिस्से में करवाएगा। ये जो एस्पिरेशन थी ना हमारी, बदलाव करने की, आज की नहीं थी। 1989 का डॉक्यूमेंट तो मैंने आपके सामने रख दिया, कारगिल रिव्यू कमेटी, चाहे वो श्रीलंका की लड़ाई हो, सब किस्म की लड़ाइयों में यही बोला कि भाई थोड़ा जैसे बी कॉम्प्लेक्स भर दो फौज के अंदर, उसी तरीके से यूथफुलनेस भर दो फौज के अंदर, ये तय करा गया, बट ये हम कर नहीं पाए। अच्छा, अब हमने ये कर दिया। ये ऐसे नहीं करा है कि किसी ने बोला है करा है, ये हमारी खुद की एस्पिरेशन थी। मैंने आपको शुरू से बोला कि जो हमारे 3 इससे पहले चीफ थे आर्मी नेवी एयरफोर्स के, एंड साथ में जनरल बिपिन रावत, 2 साल से इसके ऊपर काम कर रहे हैं। यानी ये काम करना ऐसे नहीं है कि थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली, खत्म कर लिया। नो, ये इस डिटेल्स में, हर एक चीज की डिटेल के अंदर कि इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जब आपका प्रश्न आया कि आप बदलाव करने लग गए हो, सी बदलाव हमारी जरूरत थी कि 21 साल वाली जरूरत हो, बट युवाओं का दर्द समझा गया। इसके ऊपर भी हमारे से मीटिंग करी गई कि ये जो 2 साल की रिलैक्सेशन कोविड की वजह से है, दी जाए या नहीं, इसके ऊपर काफी डिस्कशन हुई। एंड ये हमें पहले मालूम था कि ऐसे आ सकता है। हमारी तमन्ना वही रहेगी, यंग आर्मी एज सून एज पॉसिबल, बट उसके अंदर ये 2 साल की जो हमारे युवाओं को पीड़ा पहुंची है, उसको मद्देनजर रखते हुए करी गई है। कमिंग टू अदर थिंग्स, वो प्लान्ड है, कोई किसी वजह से ये इधर उधर आर्सन करने की वजह से नहीं हो रहा। ये सब प्लान्ड था कि आज ये बोलेंगे, कल वो एक्शन में बदली होगा, आज ये बोलेंगे, कल वो एक्शन में बदली होगा। अग्निपथ को चल रहे आंदोलन को लेकर सेना ने साफ कर दिया है कि जॉब सिक्योरिटी को लेकर कोई असमंजस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये स्किल्ड फोर्स होगी जिसके लिए केंद्र से लेकर राज्य और पीएसयू से लेकर इंटरप्रेन्योरशिप के लिए अवसर खुले होंगे।
साथ ही सेना ने यह भी कहा कि किसी भी दबाव में ये स्कीम वापस नहीं ली जाएगी और जो लोग हिंसक आंदोलन में शामिल हो रहे हैं वो आगे अग्निवीर नहीं बन पाएंगे। यानी चेतावनी भी और साथ ही समझाने की कोशिश भी कि ये स्कीम युवाओं के लिए है और देश के हित में भी है। ब्रिटिश राकेश सावत के साथ मधुरेन्द्र कुमार। बरेली का इस्लामिया ग्राउंड मौलाना तौकीर रजा की जहरीली तकरीरों से गूंज उठा और यहां उन्होंने मोदी सरकार पर अपमानजनक टिप्पणी तो की ही, साथ ही ये भी कह दिया कि वो यूएन जाकर मुस्लिमों पर हो रहे जुल्मों को बताएंगे। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने इस्लामिया ग्राउंड में प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में भीड़ पहुंची हुई थी, लेकिन इस प्रदर्शन में एक बार फिर तौकीर रजा की जहरीली तकरीर सुनने को मिली। यहां तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान भी दे दिया। अग्निपथ स्कीम के विरोध में चल रहे प्रदर्शन को लेकर तौकीर रजा ने कह दिया कि जिन्होंने ट्रेनें चलाई उन पर भी क्या बुलडोजर चलेगा। शांति प्रिय लोग हैं हम, भाईचारे का पैगाम देने वाले लोग हैं हम, ट्रेने नहीं चला रहे इसलिए हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हमारी बात इसलिए नहीं सुनी। उन्होंने ट्रेने जलाई, कोई बुलडोजर चला, कोई लाठी चली, ऐसी बेईमानी देखने के बाद फिर उसी बेईमान के आगे हम अपनी मिन्नत लेकर जाए कि हमारी बात सुन लो। तौकीर रजा ने केंद्र सरकार को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणी की। क्या हमें इस बेईमान हुकूमत को कोई ज्ञापन देना चाहिए? अल्लाह के सिवा ना किसी का कोई डर है ना किसी की कोई ताकत है। कितनी बड़ी हुकूमत हो, कितनी बड़ी अधिकारी हो, हम किसी को हैसियत में नहीं लाते। तौकीर रजा यही नहीं रुके, वो अब बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ यूएन जाने का मन बना रही। तो हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, बताओ ठीक है? हम यूएनओ में ज्ञापन देंगे, हम दिल्ली में जाकर ज्ञापन देंगे और पूरी दुनिया की हुकूमतों को बताएंगे कि इस बेईमान हुकूमत में मुसलमानों के साथ कैसा तासुब हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी, इनको नजर नहीं जा रहा है कि पूरी दुनिया में क्या मैसेज जा रहा है। मेरे भाई, बरेली के इस्लामिया ग्राउंड में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलाए गए विरोध प्रदर्शन में मौलाना तौकीर रजा की जहरीली तकरीरें सुनने को मिली। यहां प्रशासन ने केवल 1500 लोगों के आने की इजाजत दी थी। टीम न्यूज स्टेट। तो बड़ी खबर मथुरा से आपको बता दें, अग्निपथ के विरोध में हिंसा का मामला व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए भड़काने वाला गिरफ्तार। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और हिंसा को लेकर 70 नामजद पर हुई थी FIR, तो 1100 अज्ञात लोगों पर भी FIR हुई थी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से, जहां पर अग्निपथ के विरोध में हिंसा का मामला सामने आया है। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें, सांस्कृतिक मेले में अश्लीलता नजर आ रही है, तो मेले में जमकर लगे बार बालाओं के ठुमके, अश्लील डांस पर लोगों ने जमकर उड़ाए नोट। तो बुलंदशहर के एक प्रदर्शनी मेले में सांस्कृतिक कला के नाम पर बार बालाओं का अश्लील डांस करवाने का मामला सामने आया। अश्लील डांस में लोगों की ओर से नोटों की बारिश भी की गई। तो बुलंदशहर ककोड़ थाना इलाके का मामला बताया जा रहा है। We'll be right back.
आजमगढ़ उपचुनाव में सीएम योगी ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में जनसभा की और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। भारत माता की वंदे। आजमगढ़ उपचुनाव की जंग, सीएम योगी का अखिलेश पर तंज। सीएम ने कहा कि पहले सरकारें जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण को बढ़ावा देती थी, हमारी सरकार ने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ जनता को दिया। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ के विकास को लेकर सरकार ने एक्सप्रेसवे बनाया, ये आजमगढ़ के विकास में रीढ़ साबित होगा। और ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, ये केवल सड़क मात्र नहीं है, यहाँ के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने का भी एक माध्यम बनेगा। नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाने का कार्य हम इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से औद्योगिक क्लस्टर भी विकसित करने जा रहे हैं, औद्योगिक गलियारा बनेगा इसके दोनों ओर। आजमगढ़ की पहचान का संकट खत्म है। आतंकवाद के मुद्दे पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि 2014 के पूर्व आजमगढ़ के लोगों को कहीं बाहर कमरा नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आजमगढ़ को आतंक का गढ़ नहीं कहा जाता। राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ की पहचान के संकट को खत्म करेगा। मैं आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाएगा। आजमगढ़ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने आतंकवाद का गढ़ बना दिया था। बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे कभी अपने आप को मुक्त नहीं कर पाई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि आजमगढ़ को विकास के साथ जोड़ने का ईमानदारी पूर्वक कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है। चुनाव के वक्त नजर आए नेता, सीएम योगी ने अखिलेश पर निशाना साधा, कहा कोरोना काल में आपके सांसद आपके बीच नहीं आए, चुनाव का वक्त आते ही नजर आने लगे हैं। कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहाँ के सांसद कोरोना कालखंड में यहाँ का हालचाल लेने के आए थे क्या? वे सांसद थे ना, वे आए थे कि नहीं आए थे? और जब आपका हालचाल लेने नहीं आए थे तो इसका मतलब उन्होंने कोई सहायता भी नहीं भेजी होगी। आजमगढ़ उपचुनाव में सभी पार्टियों ने अपने नेता को जिताने के लिए कमर कस ली है। आजमगढ़ के रण में अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उतर चुके हैं। उन्होंने आजमगढ़ में आज दो बड़ी सभाएं की और बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए वोट मांगा। मुख्यमंत्री ने एक तरफ जहां अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पर आजमगढ़ की जनता से निरहुआ को एक मौका देने का यहां पर अपील की, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने समाजवादी पार्टी के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाया और कहा कि समाजवादी पार्टी ने पहले यहां से एक दलित युवक को टिकट दिया, फिर उसका अपमान किया और अंत में समाजवादी पार्टी ने वो टिकट उठाकर अपने परिवार के एक सदस्य को दे दिया। तो जाहिर बात है कि आधे घंटे तक मुख्यमंत्री की स्पीच होती रही और इस दौरान जहां एक तरफ उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई, वहीं दूसरी तरफ पूरी स्पीच में उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी और उसका परिवारवाद रहा। तो मुख्यमंत्री लगातार अपील कर रहे हैं कि अगर निरहुआ यहां से जीतते हैं तो जाहिर बात है कि आजमगढ़ में विकास की गंगा बहेगी। वीडियो जल्दी बघरवा के साथ अनिल यादव, न्यूज स्टेट आजमगढ़। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आजमगढ़ और रामपुर में होने वाले लोकसभा उपचुनाव को लेकर बीएसपी अध्यक्ष ने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। ये उपचुनाव है किंतु लोगों के लिए यह इस मायने में खास व महत्वपूर्ण है कि वह एक तीर से दो शिकार करके पहले भाजपा को हराकर उसकी अग्निपथ आदि जैसी जन विरोधी नीतियों व बुलडोजर वाली अहंकारी कार्यशैली का सबक सिखा सकते हैं और साथ ही सपा को भी बीजेपी से उसकी अंदरूनी मिली भगत आदि की भी सजा दे सकते हैं, जिससे ये पुनः स्थापित हो जाएगा कि खासकर यूपी में भाजपा को चुनाव में पराजित करने के लिए सपा नहीं बल्कि बीएसपी ही सर्वाधिक शक्तिशाली माध्यम है। आगरा पुलिस ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर चुराई गई 500 से ज्यादा कारों के कागजात बनाकर उन्हें ऊंचे दाम पर बेचने वाले गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया।
गिरोह वीडियो देखकर चुराई गई गाड़ियों के रंग से मेल खाती गाड़ी का रंग देखकर हूबहू रजिस्ट्रेशन कागजात बनवा देते थे। गिरोह अब तक 500 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां चुरा चुका है। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से 5 नई लग्जरी गाड़ियां, तमंचे और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए। संबंध में इनसे पूछताछ की गई है और कुछ नाम शामिल आए हैं, अभी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये जो अनिल है ना, संदीप है जो इसका काम करता है। देखिए, अभी इन्होंने जो चीज बताई है उनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन तथ्यों को साबित किया जाएगा, उन तथ्यों को सत्यापित किया जाएगा, और यदि कोई ऐसी बात आती कि इन्हें रिमांड पे लेने की बात होगी तो अभी आगे इन्हें रिमांड पे भी लिया जाएगा। आगरा में लव जिहाद का मामला सामने आया। 2013 में शादी करने वाला अमित 9 साल बाद इकरार कुरैश निकला तो पति के मुस्लिम होने की सच्चाई जानकर महिला के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। परेशान महिला ने थाना जगदीशपुरा में आरोपी अमित कुमार उर्फा इकरार कुरैशी, इकबाल इकराम कुरैशी और इकरार के बहनोई इकराम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। शादी 2013 में हुई थी सर मेरी, वो एकदम सही रह रहे थे अमित कुमार के नाम से, एकदम धीरे धीरे दो बच्चे होने के बाद उनका मेंटली एकदम माइंड चेंज हो गया, पता नहीं क्या हुआ अचानक से। शादी के बाद हम लोग रहने लगे बहुत अच्छे से, हमारे दो बच्चे भी हैं। धीरे धीरे सर उन्होंने मतलब मेरे को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला ने से मुकदमा पंजीकृत किया गया है, विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है, धारा 164 का बयान उसका कराया जाएगा और इस संबंध में वो पूरी सारे तथ्यों को एकत्रित करने के बाद, सारे साक्ष्यों को एकत्रित करने के बाद इसमें कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बांदा में अवैध खनन माफिया बांदा जिला प्रशासन से साठगांठ से करके ओवरलोड ट्रक को बड़ी आसानी से फर्राटा भरवाते थे और पिछले कई सालों से एमपी से आने वाले अवैध ओवरलोड ट्रकों का परिवहन यूपी में बंद था, मगर अब फिर साठगांठ होने के चलते तकरीबन एक महीने से बिना रॉयल्टी ओवरलोड ट्रक फिर से फर्राटा भरते नजर आते। तो खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। ओवरलोड वाहन लगातार फर्राटा भर रहे हैं, बिना रॉयल्टी के फर्राटा भर रहे हैं वाहन, परिवहन विभाग कोई कार्रवाई इन पर नहीं कर रहा है। तो परिवहन विभाग इन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। आपको बता दें, बांदा में तस्वीरों में आप देख सकते हैं लंबी कतार इन वाहनों की देखी जा रही है और ये सभी ट्रक जो खड़े हैं वो ओवरलोडेड हैं और बिना रॉयल्टी के ये फर्राटा भरते हैं। परिवहन विभाग भी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता है और इससे खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। नोएडा में एलडीको सोसाइटी वासियों ने सेक्टर 150 स्थित नए प्रोजेक्ट पर बिल्डर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने प्रोजेक्ट पर आए निवेशकों को बिल्डर की धोखाधड़ी के लिए जागरूक किया और हजारों बायर्स की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर प्रदर्शन जारी है। अभी तक हमारे मकानों की रजिस्ट्री पेंडिंग पड़ी हुई है तीन साल से और इसके लिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं कि इसकी रजिस्ट्री जल्दी से जल्दी करी जाए। सुल्तानपुर में गैंगस्टर एक्ट में वांटेड अपराधी की संपत्ति कुर्क की गई। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे अपराधी जयसराज यादव की 3,73,00,000 की संपत्ति को कुर्क किया गया। कुर्की की कार्रवाई में दो थानों की फोर्स समेत तहसीलदार और सीओ भी मौजूद रहे। तो कोतवाली देहात के सरायाचल गांव में हुई कुर्की की कार्रवाई की गई है। तीन करोड़ 73,00,000 की संपत्ति की कुर्की हुई है और अपराधी जयसराज यादव की संपत्ति को कुर्क किया गया। यूपी में अवैध खनन के खिलाफ प्रशासन सख्त हो गया। हम आपको तीन जगहों की तस्वीरें दिखाएंगे। पहली तस्वीर गाजियाबाद से, जहां एसडीएम विनय कुमार सिंह ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अवैध खनन करके मिट्टी ले जा रहे 11 डंपर को जब्त किया गया है। मौके पर पहुंचे एसडीएम को देखकर खनन माफिया भाग खड़े हुए। मामला मुरादनगर के गांव नगला फिरोजपुर मोहनपुर का है। दूसरी तस्वीर शाहजहांपुर की है, जहां पुलिस अधीक्षक ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक ने खुद मौके पर पहुंचकर 2 जेसीबी, 2 डंपर और 5 ट्रैक्टर और 6 बाइक बरामद किए। तो पुलिस ने मौके से अवैध खनन करने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं तीसरी तस्वीर सहारनपुर की, जहां मिर्जापुर इलाके के फैजाबाद में अवैध खनन की शिकायत पर खनन विभाग की टीम खनन एरिया में पहुंची है और खनन विभाग की टीम को देखकर खनन कारोबारियों में हड़कंप मच गया।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।